अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुल्लक नाम से जो बहुत ही मेहरबान है, इतना रहने वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी काली मिर्च चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है और आप इसको घर पर रेस्टोरेंट से भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, जिसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे 1/2 कप दही इस तरीके से, और साथ ही हम इसमें ऐड करते जाएंगे स्पाइसेस, जिनमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पाउडर, ये ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। सारे मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कोटिंग है जो उसकी बहुत अच्छे से करनी है आपने तरीके से। चिकन में अंदर तक आपने इसको ग्रेवी है जो उसको लगा देना है। यहाँ पर हमारी जो मिक्सिंग है काफ़ी अच्छे से होगी, अब आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लेकर उनको इस तरह से काट लिया है, थोड़ा रफली सा, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है। अगर आपने पेस्ट ना बनाना हुआ तो आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर ही प्याज को ऐड करना है, नहीं तो जो आपका प्याज है ना वो घुलेगा नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास है 5 से 6 लहसुन के जवे, जिनको इस तरह से मैंने काट लिया, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, लेकर उसको मैंने इस तरीके से काट लिया था, ये डाल देंगे। तो यहाँ पर मिक्स करके आप इनको 3 मिनट तक भून लेना है, ताकि इनका जो है फ्राई सिर्फ आप इनको 3 मिनट ही करना है, इससे इसकी स्मेल कच्चापन वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, और जो प्याज है उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, और इससे हमारा खाने जिसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं मसालों को फ्राई होते हुए। तो यहाँ पर हमारा जो प्याज लहसुन अदरक है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया स्टेज पर। अब आपने क्या करना है, इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। अगर आप पहले डालते हरी मिर्चें तो वो जल जाती, इसलिए आपने इनको लास्ट पर डालकर सब 30 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना। अब हम इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया, इसको मैंने पैन में ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं मसाले को फ्राई होते हुए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए मसाले को, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे ठीक है से। एक दफ़ा आपने इसको चम्मच चला देना, इसमें सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना। अब आपने इसको ढक्कन लगाकर कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देना है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए, ढक्कन को हटा देंगे और चिकन ने सारा ऑयल छोड़ दिया। एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर देना है। पानी हमने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि हम दही ऐड किया था, तो दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाता है, और इसलिए उसी में हमारा चिकन है जो वो कुक हो गया। अब सबसे लास्ट पर आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया मलाई, जो हम दूसरे मलाई नहीं उतारते वो ले लिया मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे इस तरीके से। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं फ्लेम को हाई कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें 1 टी स्पून काली मिर्च ज़ीरा ऐड कर देंगे। लास्ट आप जब डालें ना काली मिर्च में, तो इसका जो फ्लेवर है ना और भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट पक गया है हमारा चिकन है, और 2 मिनट बाद आपने चूल्हे को ऑफ कर देना क्योंकि सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर काली मिर्च चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी हो गई है, और उसमें थोड़ा सा गार्निश के लिए बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है, और ये देखें कितनी जूसी और मज़े की लग रही है देखने में ही, और जो खुशबू है इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसको रोटी नान जो भी चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ खाइए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।